नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीधा आपको लेकर चलेंगे लखनऊ, जहां पर सीएम योगी कर रहे हैं संबोधन। तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इसी दृष्टि आज टेस्टिंग ट्रैक की डिजाइन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे के द्वारा तैयार की गई है। वर्तमान में इंस्टीट्यूट में मैनुअल टेस्टिंग के साथ ड्राइवर लाइसेंस निर्गमन जो हम यहाँ से निर्गत कर रहे हैं, यह कार्य भी इन सभी सेंटर से किया जा रहा है। और आज इसी दृष्टि से देश की प्रमुख वाहन निर्माता जो कंपनी है मारुति सुजुकी के साथ यहाँ पर वह पांच जो हमारी DPTI गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा, इसके टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन वीडियो एनालिटिक बेस्ट कैमरे के माध्यम से किए जाने का जो प्रस्ताव किया गया है, उस कार्यक्रम को परिवहन विभाग के साथ मिलकर के मारुति सुजुकी के मध्य यह MOU 7 वर्ष के लिए आज यहाँ पे हस्ताक्षरित भी किया गया है, जिसमें प्रति इंस्टीट्यूट लगभग CSR से 2 करोड़ रुपए मारुति सुजुकी के द्वारा लगाया जाएगा और 3 वर्ष तक उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था भी मारुति सुजुकी के द्वारा इन 5 इंस्टीट्यूट पे होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है और मैं मारुति सुजुकी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ, परिवहन विभाग के माध्यम से भी, कि हमें दक्ष और कुशल ड्राइवर भी मिलेंगे और साथ साथ वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी बेहतर लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। मित्रों, हमारे सामने जो आज के दिन पे सबसे बड़ी चैलेंज है वह है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें। परिवार के परिवार समाप्त हो जा रहे हैं, परिवार का युवा सदस्य इस आपदा का शिकार होता है, दुर्घटना का शिकार होता है और उन स्थितियों में अनेक तरीके से हम लोगों ने लगातार इस पे बैठकें की हैं। अभी कुछ देर बाद हम लोग इस संबंध में प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं, लेकिन ये हम सबके लिए चैलेंज है। ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के साथ होती हैं। जब हम सड़क की इंजीनियरिंग उस लायक नहीं होती है कि वह वाहन की स्पीड उस सड़क के अनुरूप है तो दुर्घटना का कारण बनता है, या ड्राइवर दक्ष और कुशल नहीं है तब भी ये समस्या आती है, चाहे वह रोड इंजीनियरिंग का हो, चाहे वह मानव जनित किसी गलती के कारण हो, या फिर और भी तमाम कारण हो सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा आज यहाँ पे परिवहन विभाग को 38 स्कॉर्पियो इंटरसेप्टर वाहन जो क्रय किए गए हैं, जो सड़क सुरक्षा कोष से क्रय किए गए हैं, उस जिससे इस इंटरसेप्टर वाहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त जो स्पीड लेजर गन EMPR कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों की ओवर स्पीडिंग की जांच के साथ ही साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडर का नंबर प्लेट की भी जांच इसके माध्यम से की जा सकेगी। इंटरसेप्टर वाहन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया गया है, अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप उसके माध्यम से पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। वाहन की बाहरी बॉडी पर रिफ्लेक्टिंग टैप से ब्रांडिंग की गई है, जिससे कि अंधेरे में भी गाड़ी दूर से ही ये दिखाई दे सकती है। और इस कंपनी को जो वाहन निर्माता कंपनी है महिंद्रा के द्वारा बनाया गया है, डकन ड्राइविंग की चेकिंग हेतु तो 558 ब्रेथ एनालाइजर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल 4 राज्यों में वोटों की गिनती होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कल वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मिजोरम में 4 तारीख को मतगणना की जाएगी। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदलने की वजह ईसाइयों का पर्व रविवार का दिन। सारी पार्टियों ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि यहां पर नतीजों की तारीख बदली जाए और फिर अंत में एक दिन आगे बढ़ाई गई मिजोरम के मतगणना की तारीख। कल 4 राज्यों में वोटों की गिनती, बहुत अहम कल का दिन है।
कल के दिन ये तय होगा कि 2024 के पहले किस पार्टी ने बेहतर तैयारी की है। कांग्रेस और बीजेपी सीधी टक्कर इन दो पार्टियों के बीच हिंदी भाषी राज्यों में। और अन्य राज्यों की बात करें जहां आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस लीड कर सकती है, लेकिन महज अब केवल कुछ ही घंटों का इंतजार। तो चलिए हमारे साथ तमाम संवाददाता अलग अलग राज्यों से जहां पर चुनाव के कल के दिन परिणाम आने वाले हैं जुड़ गए हैं लाइव। दीपक चावला संवाददाता जयपुर से, प्रदीप नामदेव संवाददाता रायपुर, विनेश श्रीवास्तव भोपाल से, आकाश अग्रवाल भी इस समय लाइव में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक आपसे जानना चाहूंगा, राजस्थान की बात करें तो कल मतगणना के दिन है, तैयारियां कैसी हैं इस समय मतगणना को लेकर? भाजपा हैवी रहेगी या फिर जो ट्रेंड है वो टूट जाएगा, यानी कि कांग्रेस वापस से रिपीट होगी। तमाम तैयारियां है वो पूरी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन एसटीएफ की टीम ने तमाम अलर्ट मोड पे है। जयपुर ग्रामीण की मैं बात करूँ की कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में जो है मतगणना होगी। इसके साथ ही पूरे राजस्थान में अलग अलग जो मतदान केंद्र है वो वहां पर लगाए गए हैं। प्रत्याशी जैसे ही जीतते हैं तो उनके साथ पुलिस पीसीआर जाएगी, पुलिस की टीम जाएगी और किसी भी तरह की कोई अनहोनी, कोई हुड़दंग, कोई घटना ना हो, विरोध ना हो, कोई मारपीट ना हो, उसको लेकर तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता वो कर लिए गए हैं। जो दोनों ही पार्टी है वो इसमें टक्कर है, मान सकते हैं कि भाजपा जो है एग्जिट पोल से काफी ऊपर दिखाई दे रही है, तो एक भाजपा जो है लीड लेती दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस भी जो है बराबर से टक्कर, यानी कि राजस्थान में अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में सरकार की सारी सैन्य भी निर्दलीय और अन्य पार्टी के पास है, यानी कि लगभग 20 अगर अन्य निर्दलीय आ जाते हैं और दोनों के 80-90 या 100 सीट होती है तो उनको जिसकी जरूरत पड़ेगी, अन्य की जरूरत पड़ेगी, वो जिसका साथ देंगे वही राजस्थान में सत्ता बनाएंगे। अब सवाल यह है कि वो साथ किसका देंगे। ऐसे में हमारे ये सारे ऐसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो निर्दलीय अन्य के संपर्क में, उसके साथ ही अपन के जो शीर्ष नेतृत्व है चाहे वो राजस्थान का है चाहे वो दिल्ली जो, वो भी उन और उत्सुकता काफी है इस समय रायपुर में। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए कल मतगणना है। रायपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें आई है, सीटें आती हैं जिसकी जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। कल 8 बजे से सुबह काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हमारे साथ जो आरंग से भाजपा प्रत्याशी है पुष्पंत साहब वो मौजूद है, आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी लेने आए हैं, देखने आए हैं कि क्या चल रहा है यहाँ, कैसा है, सुरक्षित है कि नहीं, इसकी जानकारी लेने आए हैं। और हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त भी हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आएगी। क्या लगता है आरंग से आप प्रत्याशी हैं, आपके सामने मंत्री शिव कुमार डहरिया कितनी बड़ी? देखिए आरंग में किसी प्रकार की हम लोग चुनौती नहीं देखते, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 5 साल राजनीति की है, गुंडागर्दी का, धमकाने का, पक्षपात का, महिलाओं के उत्पीड़न इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, फिर भ्रष्टाचार इतना गरीब लोगों के ऊपर बढ़ा हुआ है कि गरीब इतने परेशान थे कि सभी एकजुट हो गए थे। और इस बार उन्होंने सबने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार भ्रष्टाचारी मंत्री को उखाड़ कर देंगे। तो देखिए जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और कल सुबह 8 बजे से जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। राजधानी रायपुर में जो 7 विधानसभा सीटें हैं उनकी जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो इसके अलावा हर रूम की कवरेज सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग है और उसके माध्यम से पूरे रूम की गतिविधियों को भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। और जो वीवीपैट मशीन है उसके लिए उसमें जो पर्ची होगी उसमें 5 रैंडम मशीन होते हैं, उसकी गणना करनी पड़ती है और उसकी भी तैयारी की गई। ठीक, थैंक यू। कलेक्टर सर्वेश्वर जो जानकारी दे रहे थे, जिन्होंने तमाम जो जानकारी दी कि जो कल की है जो तैयारियां जो पूरी कर ली गई हैं और जो सुरक्षा के इंतजाम है 3 लेयर में सुरक्षा रहेगी। और आप देख भी सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो जितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई। देखिए चलिए लौट कर आऊंगा प्रदीप आपके पास। विनय श्रीवास्तव इस समय भोपाल से जुड़े हुए हैं। विनय, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो है लेकिन कई एग्जिट पोल ने इस समय देखिए डरा कर रख दिया है सभी पार्टियों को कि आखिर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, 18 की तरह भी तस्वीरें हो सकती हैं। विनित जी मैं बता दूं कि मैं भोपाल में हूँ और भोपाल
तो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कल 7 विधानसभा जो भोपाल जिले के अंतर्गत आती है उन विधानसभाओं की मतगणना कल सुबह 7 बजे से यहाँ पे शुरू होगी। सबसे पहले मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम मशीन से रिजल्ट आना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले 230 विधानसभाओं को लेकर जो रुझान मध्यप्रदेश में प्राप्त हुए हैं उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही उत्साह का भी माहौल है और थोड़ा सा डर भी है। मैं बता दूं कि वो कहा जा रहा है कि मिठाइयां अभी मत बनवाइए, हो सकता खराब हो जाए। अब वो किसकी मिठाइयां खराब होगी ये तो कल शाम तक स्पष्ट होगा, लेकिन ये बात तय है कि मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के मन में कहीं ना कहीं छोटा मोटा सा प्रश्न चिन्ह तो है। वहीं अगर इनके आला नेताओं से जब हमने बात की, जब हमने पूछा कि कल क्या रिजल्ट आ रहा, आप क्या कहेंगे, तो दोनों ही लोग अपने अपने जीत के दावे जो हैं वो कहते मतलब गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम अभी तो गढ़ना ही बोलेंगे तो गढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये बात तय, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, देश की जनता भी जानती है कि जो इस बार मध्यप्रदेश का विधानसभा चुनाव जिस ढंग से हुआ है, पार्टियों को चक्कर जरूर आ रहे हैं कि आखिर कल शाम को जो नतीजा है वो किस और जाएगा। जी चलिए ठीक है, लौट कर आऊंगा। फिलहाल आकाश के पास अब चलते हैं। आकाश, कल के दिन देखिए तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी तेलंगाना के, तैयारियां वहां पर भी हो गई। हालांकि कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस इस बार लीड कर रही है। आकाश जी, यहां पर कल की तैयारियां पूरी कर ली गई है और कांग्रेस दावा कर रही कि वो सरकार बना करके दिखाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीआरएस भी अपना दावा कर रही कि हम तीसरी बार जीत करके हैट्रिक लगाएंगे। अभी कुछ ही देर पहले टी राजा बीजेपी नेता है, इंडिया न्यूज से बात करते हुए एक्सक्लूसिव उन्होंने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना स्टेट में 30 सीटों पर जीत हासिल करेगी। ठीक है दीपक, दिन भर आप पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में रहते हैं, कल के दिन परिणाम आने वाले हैं उसके पहले कोई रिएक्शन आया क्या सामने? अभी बात कर रहा था तो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार शिविरों में जा रही है, प्रदर्शन कर रही है, जोशी काफी आश्वस्त है, उधर से डोटासरा भी कांग्रेस के वो आश्वस्त है। तो इस बार देखिए एग्जिट पोल ने भी कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि मैंने भी कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि 5 साल इस तरह से वादे जो होते हैं पूरे नहीं किए जाते। वो दौर एक अलग था कि जो है स्पष्ट कांग्रेस को वोट मिल गया, स्पष्ट भाजपा को मिल गया, लेकिन अब वो दौर बदल चुका है। जनता जो है वो सवाल करती है, आपने 5 साल हमारे लिए क्या किया, हम आपको क्यों वोट दे। तो बाद जो एग्जिट पोल है वो भी कंफ्यूज है, क्वेश्चन मार्क है, और इसके बाद जो नतीजे वो भी क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे में आज समझिए मिठाइयां तो बन चुकी है, लड्डू तो मिल चुके हैं, लेकिन वो लड्डू कौन खाएगा, सत्ता का लड्डू कौन खाएगा, वो तो कल ही क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान में अभी कुछ भी कह पाना बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, कोई बड़ी बात नहीं कि टक्कर ऐसी 19 में बात करा 199 सीटों पर है। तो ये तय मान के चलिए कि एक पार्टी की 80-85 आ सकती है, एक पार्टी की 100 आ सकती है। अगर निर्दलीय उनका साथ दे रहे पिछले का तो वह भी वो पासा पलट सकता है। तो तय सकते कि राजस्थान की राजनीति का ऊंट इस बार इधर करोड़ पड़ रहा है या उधर करोड़ पड़ रहा है, कोई कुछ तय नहीं सकता। तो कैसे कैसे में राजस्थान में मौसम साफ है, लेकिन राजस्थान की राजनीति साफ नहीं है। कल जो है एक दिन का पता है, लेकिन एक दिन की तय वाली आज के बाद नेताओं की करने वाली नहीं है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी हो, रात को आज इनको नींद नहीं आने वाली। ठीक है विनीत, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर में, अब से कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए दिखाई दिए कि 150 सीटें हम जीत रहे हैं, 103 सीटों पर मैं खुद अकेले घुमा हूं, और ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठे हमारे आलाकमान नेता ये तय करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो तय नहीं है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। जी बता दो कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर पिछले 20 साल का आंकड़ा निकाल के देखें तो ये पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री का नाम जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने बिना रोक टोक के 165 विधानसभा जो शोभा यात्रा जो है वो की और साथ ही चुनाव यात्रा की। तो मैं आपको बता दूं कि उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो नाम है वो घोषित नहीं किया गया था, सीधे केंद्रीय नेतृत्व पर ये छोड़ा गया था। और भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी है वो भी यही है कि जब चुनाव जीत कर आते हैं तो जो विधायक दल है वो तय करता है कि नेता कौन होगा, और उसके बाद केंद्रीय जो है वो मुहर हमेशा से लगती आई है। लेकिन इस बार शुरुआत से ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जा रहा है कि इस बार जो मुख्यमंत्री होगा वो केंद्र सरकार जो है वो नियुक्त करेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि 7 सांसदों को जो मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं से जो टिकट दिया गया था उसके बाद ये चर्चा थी कि 7 मुख्यमंत्रियों के जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से आगे बढ़ा है, ना केवल शिवराज सिंह चौहान का भी। तो इसलिए इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया है, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान की जो मध्य प्रदेश के अंदर 165 तकरीबन सभाएं हुई हैं वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह का नाम जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे तो रखता है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो कल
पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बाद जो कल मतगणना होनी है जिसपे थ्री लेयर्स में पूरी से जो है वो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं और बड़ी चाक चौबंद जो है व्यवस्था है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार मुझसे हटके अलग जरा व्यवस्थाओं को दिखाने की कोशिश करें। ये सामने जो है ये विधानसभा निर्वाचन मतगणना केंद्र है भोपाल का, जो कि पुरानी केंद्रीय जेल में बना हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात बता दूं कि तीन लेयर्स में जो है वो मतगणना यहाँ पर की जाए, तीन लेयर्स में जो है सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ पर की है। और यहाँ पर अधिकतम जो है सबसे बड़ी जो सीट है गिनती के हिसाब से भोपाल विधानसभा में वो नरेला और गोविंदपुरा को माना जा रहा है, जिसमें 20 टेबल है। और तकरीबन पिछली बार का मैं आपको आंकड़ा बता दूं कि पिछली बार जो इलेक्शन के यहाँ पे वोटिंग हुई थी उसमें नरेला का जो चुनाव आया, चुनाव जो परिणाम आया था वो अगले दिन सुबह तक आया था। और अब की बार सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश विधानसभा में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जो मध्य प्रदेश की व्यवस्था है या जो परिणाम आने के जो आसार लग रहे हैं उसमें अधिकतम सीटों के जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं शाम तक आने के आसार है। कारण ये है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो चुनाव का जो आंकड़ा है वो 1,000, 2,000 और 3,000 तक सीमित रहने का मामला सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो परिणाम आएंगे वो देर से आ सकते हैं। इसलिए इस बार जैसे हम लोग बोलते थे कि परिणाम आना शुरू हो गए हैं तो 11 बजे तक 1 बजे तक जो है वो सरकार की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार शायद मध्य प्रदेश में जो परिणाम है जो स्पष्ट स्थिति बनेगी कि सरकार किसकी है वो शाम देर शाम तक स्पष्ट हो पाए। जी चलिए दीपक, अगर हम बात करें कैसी व्यवस्थाएं की गई है मतगणना स्थलों पर, वहां पर पैरामिलिट्री के जवान, पुलिस बल कितने तैनाती की जा रही है राजस्थान में पूरा? देखिए राजस्थान में लगभग 8,000 से अधिक जो पुलिस कर्मी है वो कल मतगणना केंद्रों के आसपास रहने वाले हैं। जयपुर की अगर मैं बात करूं, जयपुर में राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में यहाँ पर जो है अलग अलग गेट बनाए गए, मीडिया की अलग से एंट्री है और जो जो कैंडिडेट है उसके साथ केवल 5 व्यक्ति ही अंदर आ सकते हैं, उसके जितने भी कार्यकर्ता है वो बाहर रह सकते हैं। और जैसे ही कोई कैंडिडेट जीत जाएगा तो उसके साथ जो है पुलिस टीचर लगाई जाएगी ताकि किसी भी तरह का विरोध नहीं हो सकता। अमूमन देखा जाता है कि कैंडिडेट जीत जाता है उससे खतराव हो जाता है, इस तरह की घटना को रोका जाए। तो ऐसी व्यवस्था लगभग पूरे राजस्थान में की गई है, चक्के चक्के पर पुलिसकर्मी तैनात है। लगभग कल जो है मान सकते हैं कि जो भी प्रमुख बाजार है वो लगभग जो है बंद रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि प्रशासन सरकार ने बंद करें, लेकिन खुद स्वेच्छा से लोग जो है वो उसको बंद रखने वाले हैं। उसके अलावा पुलिस के अलावा बात करो तो एसटीएफ की टीमें और इसके अलावा केंद्र जो बल की टीम है, बीएसएफ है, वो तमाम टीमें जो है कल फील्ड में रहने वाली है। और किसी भी तरह की कोई आई, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से चुनाव एकदम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था वो टीमों के लिए हम सब का काम है, अच्छा काम किया। लेकिन अब मतगणना भी जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, वो हारता है वो कैंडिडेट विरोध करता है तो उनको भी समझाइश के लिए अलग से जो पुलिसकर्मी है वो महिला टीमें हैं वो अलग से काम करेगी। तो कह सकते हो कि पूरा जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और राजस्थान में कल मतगणना। ठीक है, लौट कर आऊंगा। प्रदीप, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में तो कई नक्सली इलाके भी हैं, वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए जो नक्सली इलाके हैं वहां पर जो है फोर्सेस ज्यादा लगाई गई है, हजारों की संख्या में जो है वहां पर जो फोर्सेस ज्यादा नक्सल प्रभावित एरिए बस्तर है, तमाम जो एरिए हैं वहां पर भी जो जो जहां मतगणना होगी वहां पर जो तमाम जो फोर्सेस हैं सिटी लेयर में जो है सुरक्षा की व्यवस्था की गई। और अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पर जो है सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और यहाँ पर भी जो थ्री लेयर में है जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, 500 से अधिक जवानों की है यहाँ पर तैनाती गई है की गई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से जो बैरिगेट से इसके अंदर कोई जा नहीं सकता है और जो बिल्डिंग से बनी है वहाँ एक एक करके हॉल के अंदर जो है 90 जो विधानसभा सीटें हैं उनकी कल मतगणना होगी। लेकिन राजधानी रायपुर में 7 जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं तो कल 7 विधानसभा सीटों के लिए राजधानी रायपुर में मतगणना होगी और सुबह 8 बजे से हो जाएगी। ठीक है आकाश, तेलंगाना में कैसी व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर और वहां पर सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं? डिप्लॉय किया गया है और सीआरपीएफ को भी डिप्लॉय किया गया और उसी साथ साथ तेलंगाना पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। खास करके हम बात अगर करें पुराने शहर की हैदराबाद के तो वहाँ पर ज्यादा फोर्स को डिप्लॉय किया गया क्योंकि पुराना शहर एक ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर ज्यादातर लड़ाई होती है मतगणना के टाइम पर पे क्योंकि वहाँ पर जो पार्टीज जीत के आती है एएमआईएम का वहाँ पर राज है और इस साल यहाँ पर देखा जा रहा है कि एआईएमआईएम के 7 सीटों में से 2 सीट अगर कम हो सकती है।
जी। चलिए दीपक, राजस्थान में हमने सुना था अशोक गहलोत को, उन्होंने जिक्र किया जब तमाम एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहे थे कि हमारी सरकार यहाँ पर बननी तय है, लेकिन कई सारे एग्जिट पोल ने चौंका भी दिया राजस्थान के समीकरणों को। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी वहां पर वापसी कर रही है, मतलब कि जो रिवाज है वो कायम हो सकता है। ये सब कार्रवाई थी लेकिन सरकार बनने वाली है राजस्थान में, जो ट्रेंड रहा है हमेशा से वो यही रहा है कि सर हमेशा से विवाद जो है वो बदलता है, एक बार जो सरकार जाएगी जनता बड़ी समझदार है, एक बार जिसको मौका देते दोबारा उसको मौका नहीं देती, क्योंकि ये जो भी नेता है वो वादे तो करते लेकिन पूरे नहीं कर पाते, तो यहाँ की जो जनता समझदार है वो दूसरी बार अन्य नेताओं को मौका देते कि अब आप आइए आप बनाए, तो कह सकते जो ट्रेंड के हिसाब से सत्ता हैवी है, इस तरह से एग्जिट पोल आए, न्यूज इंडिया एग्जिट पोल आया, हमारा जो सर्वे वो भी यही बताता है, फिर भी टक्कर बहुत मुश्किल है, टक्कर बहुत ज्यादा है कि जादू मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनकी कई सारी योजना जो सीधा दिलों पर लग गई ताकि चिरंजीवी योजना जहाँ 25 लाख का इलाज लोगों का हो रहा है, लेकिन ये भी मैं चाहिए कि सरकार जिस तरह से बदल जाती है लेकिन जो जो उनकी योजना है वो नई, जो भी नई सरकार आती है वो उसको कंटिन्यू करती है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रास्ता आए तो मैंने कहा था कि योजना जो है कंटिन्यू रहने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं जनता के दिलों में असमंजस की स्थिति है। चलिए बिल्कुल दीपक, कल के दिन भी आप लोग ग्राउंड पर इसी तरह से बने रहिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया दीपक आपका, प्रदीप आपका, आकाश आपका, विनीत आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो मंदिरों में जाकर नेता इस समय माथा टेकने लगे हैं, दुआओं का दौर जारी है एक दूसरे की पार्टियों के लिए, लेकिन ऐसे में कल के दिन परिणाम सब कुछ तय करेंगे। सुबह से लगातार न्यूज इंडिया पर कल के दिन आप देखेंगे मतगणना के दिन मेगा कवरेज। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जा रही हैं।